हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राजुलम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कल के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम लोग कैसे इसे सिंपल एक बॉर्डर बना सकते हैं। तो चलिए उसी एपिसोड को, उसी ट्यूटोरियल को थोड़ा सा और एडवांस में लेके चलते हैं। तो और देखते हैं हम लोग किस तरह से कुछ न्यू क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो सिंपल एंड बहुत ही इजी वे में आपको बता रहे हैं, जो शुरू करते हैं। तो हमने एरिना ओपन किया, उसके बाद हमें सोर्स में जाना है। सोर्स में हमें सॉलिड कलर, उसके बाद हमें हमारी समझ लीजिए सेंटर स्क्रीन है आपका, पिक्सल और हाइट 1080 मान लीजिए आप। सिंपल ये हमारी एक सेंटर स्क्रीन बन गई है, ठीक है। देन उसके बाद हमें इसे कॉपी करना है और इसे नीचे वाली लेयर में पेस्ट करना है। तो हम इसे बंद करते हैं, इसे ऑन करते हैं। और ये हमारी साइड के विंग्स है, तो ये आप लगा लीजिए विड्थ इसकी 750। मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ, बट आप इसमें इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं आपके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 750 किया तो इसे पोजीशन देते हैं हम लोग यहाँ की। इसे पोजीशन से हम लोग अपने विंग्स में इसे सेट कर लेंगे। ये हमारी सेंटर स्क्रीन होगी, ये हमारे साइड्स के पैनल हो गया। थोड़ा और करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसे फिर कॉपी करते हैं, कॉपी और एक थर्ड रो में भी इसे पेस्ट करते हैं। तो इस बार हमने इसका जो पोजीशन है वो लेफ्ट में रखनी है। थोड़ा और हमारे जो ये पूरे हमारे विंग्स पे आने चाहिए। तो हमारा क्या हुआ, अभी ये ग्राफ बन गया है, सेंटर स्क्रीन्स और साइड्स में दो विंग्स हैं। तो हमने इस पे बॉर्डर बनाना है सिंपली। तो हमने क्या करना है, स्टार्टिंग में इफेक्ट में जाना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली लेयर लेते हैं, फर्स्ट वाली सेलेक्ट करते हैं सेंटर में। तो इफेक्ट में जाके हमें क्रॉप CROP क्रॉप सेलेक्ट करना है। तो थोड़ा मैं इसे ऊपर करता हूँ। तो हमने फर्स्ट लेयर में जाना है, तो सेंटर की स्क्रीन में, तो हमें क्रॉप सेलेक्ट करना है, देन इसे ड्रैग करना है। तो जैसे हमें क्रॉप ड्रैग करते हैं, तो यहाँ हमें इन्वेस्ट लिखा आ रहा है, तो इन्वर्ट करना है। जैसे इन्वर्ट करते हैं तो इसे उसके बाद ये लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, ये चार हमारे पास ऑप्शन आते हैं। तो हमें लेफ्ट में इसे बढ़ाना है, फर्स्ट टर्म हम राइट में करते हैं इसे। हमें इतना चौड़ा बॉर्डर चाहिए समझ लीजिए। तो उसके बाद लेफ्ट में हमें इसे बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है कि हमारा दूसरी साइड का बॉर्डर जब तक नहीं आता है। तो ये हमारा बॉर्डर आ गया, दोनों साइड में आ गया। अभी हमें टॉप ऊपर से हमें बढ़ाना है, तो ऊपर से भी हमारा बॉर्डर क्लियर हो गया है। अभी नीचे से हमने इसे कम करना है थोड़ा, तो कम करेंगे तो हमारा ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। डेट्स कूल। अभी हमने क्या करना है, इसे छोड़ना है, अभी हमें सेंटर में आना है।
सॉरी साइड के विंग्स में आना है। साइड के विंग में जैसे हम लोग आते हैं तो हमें यहाँ पे भी हमें वही करना है क्रॉप। तो क्रॉप करने के लिए हमें यह इनवर्ट पे रखना ही है। उसके बाद हमें इसे बढ़ाते रहना है। ये कम होगा शायद, ये बढ़ाना पड़ेगा। अब इसे 20 कीजिए। हाँ, कुछ चेंज तो नहीं कर दिया भाई। नहीं, ये ना बढ़ाने से ही पड़ेगा, कम होने से नहीं होगा। ओके, इसे आप ही रखिए 90-20। इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा 3400। ठीक है, इसे हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना। दैट्स गुड। देन उसके बाद हमें दैट्स गुड, देन टॉप को थोड़ा एंड बॉटम को नीचे से। तो ये हमारा, ये वैल्यूज़ होती हैं थोड़ा कम ज़्यादा करके हम लोग बढ़ा कर या कम करके कुछ। बॉटम की वैल्यू तो हमेशा माइनस में होगी, टॉप की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी। इन दोनों का थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, प्लस और माइनस का। आप मैनुअली इसे कर सकते हैं बॉर्डर देख के कि हमारा बॉर्डर कैसे बन रहा है। दैट्स गुड, ये आपका सेकेंड हो गया। और अभी हमारा थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे भी हमने इसे क्रॉप करना है। क्रॉप किया और इन्वर्ट किया, तो हम लोग इसे देखिए कुछ तो साथ के साथ ही मतलब आ जाता है। देखिए ये हुआ बॉर्डर, एंड उसके बाद इसे और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा भाई, बहुत बढ़ा दिया यार। नहीं, आई थिंक इसे आपको बढ़ा के इस शर्ट भी खत्म करना पड़ेगा। ओके, इसे भी आपको ये बहुत पंगा होता है, इसमें आपको देखना पड़ता है किस राइट में बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, देन हो गया ये आपका थोड़ा सा। ठीक है, डन। और टॉप पे तो आपको ऊपर से नीचे लेना है और राइट में आपको माइनस करना है। तो ये हमारे तीन बॉर्डर बन गए हैं। हम इसके कलर जैसे भी चेंज कर सकते हैं। हमें अभी हमें इसके
एक और इफेक्ट डालना है रेडर, RADR रेडर। तो हम पहले सेंटर में डालते हैं इसे, सेंटर में जैसे हम ये डालते हैं तो हमारा ये इस तरह से बन गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल सिंपल हमने शो ग्रिड को बंद करना है। देन एंगल पे जाके हमें राइट क्लिक करके BPM सिंक पे क्लिक करना है। तो BPM सिंक पे जैसे हम लोग ये क्लिक करेंगे तो ये हमारा रनिंग में शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारा जो ये आपका थोड़ा फेड है इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने से क्या होगा कि हमारा एक बॉर्डर वाइट कलर का और बन जाएगा। अगर नहीं बढ़ाते तो हमारा यही चलता रहेगा, ठीक है, डेट्स गुड। और यहाँ से हम लोग स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं और इसकी लेंथ जो ये जो रेड वाला चल रहा है ये इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, देखिए और बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कितना फास्ट चाहिए कितना स्लो चाहिए। That's good. ठीक है, हमें सेम पोजीशंस हमें सेकंड नंबर पे करनी है, सेकंड के साइड के विंग्स हैं। जैसे हम लोग इसमें भी यही सेम करेंगे तो इसमें क्या होगा, एंगल में जाके BPM सिंक, BPM सिंक के बाद हमें यहाँ शो ग्रिड को कैंसिल करना है और फेडर को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसे ही हमने थर्ड पे करना है, थर्ड में भी हमने साइड के विंग्स में यहाँ जाना है और एंगल पे राइट क्लिक करके BPM सिंक करना है। BPM सिंक करने के बाद शो ग्रिड में, ठीक है, और इसको फेड इसको भी हमने उसके बराबर ही कर लेना है। दैट्स गुड, ओके, ठीक है। तो ये जिस तरह से आपकी कुछ रिक्वायरमेंट आ रही थी कि हम लोग ऐसे कैसे बना सकते हैं, दैट्स गुड, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे अभी मैं आपको एक सेंटर में करके दिखाता हूँ। सेंटर का हमने लिया, इसमें हमने कलर में जाना है, कलर में SHSB लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ व्यू में जाके हमें इसे टाइमलाइन पे करना है। तो टाइमलाइन पे क्या होगा कि हमारा जो कलर है वो अपने आप कलरफुल चलता रहेगा, मतलब बदलता रहेगा। और हम लोग कलर की स्पीड कितना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं कि हमारा ऐसा चले वैसा चले, ये देखिए, ठीक है, दैट्स गुड। इसकी स्पीड को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं और ये हम लोग तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेंटर में ये भी है, यहाँ कलर में सेलेक्ट किया, HSV पे जाए और इसको हमने टाइमलाइन किया। तो ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो रहा है और इसकी स्पीड हम जितना चाहें हम लोग कर सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन और आपका आएगा दिमाग में, वो ये कि अगर हमने इस पे विजुअल्स चलाने हैं तो कैसे चलाएंगे। तो सिंपल वे है भाई, हमने तीन विंग में तीनों लेयर में हमारी चल रही है। अगर हमने इसमें विजुअल्स भी, तो अगर हमारे विंग्स तीन से ज़्यादा होते हैं तो हमें उतनी ही लेयर लेनी पड़ेगी, ठीक है, नंबर एक। और नंबर दो, हमने यहाँ से लेयर में जाना है, लेयर में इंसर्ट ब्लू करना है तो हमारी नीचे लेयर बन जाएगी, नीचे बनेगी, ठीक है। तो हमने दो तीन जितने भी लेयर नीचे बनाना चाहें हम लोग बना सकते हैं और उसमें हम लोग अपने विजुअल्स प्ले कर सकते हैं।
कुछ भी। इसमें आप कोई भी विजुअल्स प्ले करोगे तो आपका विजुअल्स भी उसमें आएगा। गॉट ओके। ये जगह तो आपकी ओपन है बिकॉज यहाँ पे तो कोई पैनल नहीं लगा हुआ ना, इसलिए ब्लैक ही आएगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और इस तरह से हम लोग रेजलूम के अंदर ही कस्टम बॉर्डर बना सकते हैं जो रनिंग भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।